राजधानी दिल्ली में आज एक कार के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा सुबह करीब 4 बजे पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के पास हुआ। यहाँ एक तेज रफ्तार बेकाबू कार सड़क के किनारे बने एक बिजली के खंभे से टकरा गई। कार में एक लड़का और एक लड़की सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक कार को लड़का चला रहा था और ये लोग काफी तेज रफ्तार से नोएडा की तरफ आ रहे थे। मयूर विहार के पास लड़का कार पर संतुलन बनाए नहीं रख सका और कार तेज रफ्तार से इस बिजली के खंभे से टकरा गई और फिर इसे टकराने के बाद ये एक डिवाइडर को तोड़ती हुई दूसरी तरफ चली गई। हादसे में कार के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए, जबकि लड़का और लड़की दोनों गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। सैयद नजीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। नजीर, इस गाड़ी की जो हालत है ये बताने के लिए काफी है कि उस वक्त इनकी रफ्तार क्या रही होगी या कितना भीषण ये हादसा रहा होगा? जी बिल्कुल सौरभ, कह सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा थी। 4 बजे सुबह की यह घटना है। आपको गाड़ी का एक बार फिर से खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। और जो लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं उनके लिए एक सबक है कि गाड़ी जो कि जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, पहले ये दूसरी साइड जो कि दिल्ली से नोएडा की तरफ ये गाड़ी आ रही थी और लैंपपोस्ट से टकराई ये गाड़ी और उसके बाद दूसरी तरफ वाली सड़क पे आ गई। आप देख सकते हैं जो गाड़ी का अगला हिस्सा है, इंजन है, वो पूरी तरह से बाहर हो चुका है। तेल का रिसाव सड़क पे है और गाड़ी का कोई भी हिस्सा नहीं बचा है जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। शुक्र की बात ये रही कि जो इसमें जो कपल थे वो सही सलामत है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, इलाज किया जा रहा है। लेकिन गाड़ी की रफ्तार आए दिन सड़कों पे इस तरह की रफ्तार देखने को मिलती है और नतीजा ये होता है कि बहुत ही दर्दनाक हादसों में वो तब्दील होता है। और इसी का नतीजा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो I-20 कार है वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी है। नजीर, इस गाड़ी में जो लोग थे वो कौन थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या इस बारे में कोई मालूमात मिली? देखिए, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि क्या उन्होंने शराब पी रखी थी या जो कपल है वो कहां से आ रहे थे। अभी फिलहाल इसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी अभी नहीं दी है, लेकिन जो दोनों कपल है, जो लड़का है उसको गंभीर रूप से चेहरे पे चोटें आई हैं और जो उनके साथ जो लड़की बताई जा रही है उनको भी चोटें आई हैं और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन कुछ सामान यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे, जो शूज़ है लड़की की वो यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा गाड़ी में और भी सारे बहुत सारे कुछ सामान है जो गाड़ी के अंदर है सौरभ। लेकिन बहुत खौफनाक हादसा। नजीर, धन्यवाद आपका।